नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुबई वीज से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुछ न्यू अपडेट है लोगों के लिए। जी हाँ, हम बात करेंगे आज कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एजेंटों के द्वारा भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, विजिट वीज़ा ले लो, हम आपको जॉब लगा देंगे, ये लगा देंगे। जॉब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अब स्टार्ट हो गए, क्योंकि आपको पता है कि लगभग कंट्रियाँ धीरे धीरे फ्लाइटें वगैरह इंटरनेशनल ओपन हो रहे हैं, फ्लाइट वगैरह जॉब वगैरह निकलने स्टार्ट हो चुके हैं, तो वही वो पहले वाला सिस्टम अभी चलने वाला है, आपको पता ही है। मैं बता देता हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर फ्लाइट स्टार्ट हो गई, विजिट वीज़ा, आज सुबह से 3-4 फोन आ गए, सर विजिट वीज़ा दे दो, हमें विजिट वीज़ा चाहिए। अरे भाई, विजिट वीज़ा लेके क्या करोगे, जाओगे कैसे, मुझे तो ये बता दीजिए आप। यूएई सरकार ही आपको अलाउ नहीं करेगी अभी तो, और दूसरी बात इंटरनेशनल फ्लाइटें भी अभी बंद है। तो मैं बता दूं कि 1 जुलाई से, जी हां साथियों, आपको पता होगा कि भाई 26 जुलाई तक जो लोग इंडिया से लोग दुबई वही जा रहे थे वो वर्क परमिट से रिलेटेड था, वो 26 जुलाई को वो ख़त्म हो चुका था अग्रीमेंट, लेकिन अभी सरकार ने उसको बढ़ा के 15 अगस्त तक कर दिया गया। जी हाँ, 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक आप लोग जो यूएई जा सकते हो, लेकिन वो कौन जा सकते हैं उसके पीछे एक बड़ा रीज़न होना चाहिए ना, आपको सोचना चाहिए। हर आदमी उसमें नहीं जा सकता, हर यात्री उसमें नहीं जा सकता। उसमें बात करें, आज इवनिंग में इंडियन एम्बेसी दुबई की भी एक गाइडलाइन जारी हुई थी, उसमें बताया गया कि भाई हमने समझौता का अग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हुए 15 अगस्त तक कर दिया है, लेकिन उनमें जाने वाले वही लोग हैं जिनके पासपोर्ट में वीज़ा लगा है। जी हाँ, वर्क अग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वर्क वीज़ा आपके पासपोर्ट में स्टेपिंग वीज़ा लगा हुआ होता है, पेपर वीज़ा हो गया या फिर विजिट वीज़ा हो गया, ये वीज़ा वाले अभी अलाउ नहीं किए जा रहे हैं यूएई गवर्नमेंट के द्वारा। जी हाँ, 57 फ्लाइट्स को इजाज़त मिली है, इंडिया से दुबई जाएगी 57 फ्लाइटें, जी हाँ 15 दिन के दौरान। तो भाई देख लीजिए, 15 दिन में जो भी वर्क परमिट वाले हैं, जो दुबई से छुट्टी आए थे यूएई से और वो यहाँ फंस चुके हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, चाहे आपका वीज़ा परमिट होना चाहिए पासपोर्ट में लगा हुआ, एक्सपायर हो गया कोई इशू नहीं है, लेकिन वो चल जाता है, वो इंडियन दुबई यूएई सरकार आपका वीज़ा रिन्यू करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन विजिट वीज़ा वाले भाई नहीं जा सकते, वर्क परमिट वाले के अलावा और किसी भी तरह के वीज़ा वाले अभी तक नहीं जा सकते। बात टिकट बुकिंग कैसे करवाएं, तो भाई टिकट बुकिंग तो आज अभी बढ़िया ऑप्शन है, आप कोई भी अथोराइज एजेंसी से या फिर एजेंट से टिकट बुकिंग करवा सकते हैं, जैसे आपका नंबर आता उस हिसाब से आप जा सकते हैं, टिकट इश्यू वाली कोई बड़ी बात नहीं है, टिकट आप कहीं से भी बुकिंग करवा सकते हैं। ये जो घोषणा है साथियों, बता दूं 31 अगस्त को दुबई के जो महावाणिज्य यानी इंडियन एम्बेसी के जो दूत डॉक्टर अमनपुरी, उन्होंने ये बात अपने ट्विटर के माध्यम से बताई है कि भाई दुबई वही लोग जाएंगे जिनके पासपोर्ट में वर्क परमिट वीजा लगने के साथ स्टैंप लगी हुई है, यानी वर्क वीजा लगा हुआ होना चाहिए पासपोर्ट में, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता। तो आप समझ गए होंगे भाई, और बहुत सारी दुनिया दुबई से आई थी छुट्टी के लिए, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च, लगभग लोग दिसंबर में भी आए थे, जनवरी फरवरी में भी आए थे, मार्च में आपको पता है फिर बैन हो गया था 15 मार्च के करीब, तो उन लोग बहुत सारी जनता यहाँ पे बैठी है वर्क परमिट वीज़ा, जिनको वहाँ पे जॉब जाना है, क्योंकि दुबई तो भाई पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, वहाँ तो इतनी बड़ी कोई इश्यू है नहीं बात। तो भाई आप लोगों के लिए ऑप्शन है, कहीं से भी आप अपनी टिकट बुक करवाएं और 15 अगस्त तक जा सकते हैं, हालांकि ये डेट आगे भी बढ़ती रहेगी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 15 दिन का अभी टाइम मिल गया आप लोगों को। और इसके लिए शर्त आपको पता है, कोविड-19 आपका जो अथोराइज सेंटर से NOC प्रमाण पत्र आपको लेना होगा वो आपके साथ में होना चाहिए, आपका वहाँ दुबई में भी आपका टेस्ट होगा, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव आने के बाद आगे अपना प्रस्थान आप कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे भाई, दुबई जाने वाले सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट वीज़ा वालों का भी अथॉरिटी है जाने की, इसके अलावा किसी भी तरह के वीज़ा नहीं वाले नहीं जा सकते, चाहे आपको एजेंट बोले, चाहे आपको कोई भी बोले, चाहे आपके पास वीज़ा हो या नहीं हो, सरकार ने अभी अनुमति नहीं दी है 15 अगस्त तक। उसके बाद में कोई जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।